ये है मेरा आज का लुक। तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन वही है कि भाई काम तो सारे करते हैं, है ना। तो सबको वही माता के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह नहा धो के अब हम चल दिए चाची के घर पे कथा सुनने। मम्मी गई है बड़ी मम्मी के घर पे, क्योंकि बड़ी मम्मी हमारी लास्ट ईयर नहीं रही हमारे बीच में, तो पहला त्यौहार जो आता है इसके बाद वो वहीं पे ही मनाना होता है। तो यहाँ पे हम चाची के घर पे कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के लिए प्लेन वाटर लेना होता है, जिसमें गंगा जल मिला लो लोटे में। सारी की सारी हम देवरानी जेठानी सास बहू जितनी भी एक साथ कथा सुनती हैं वो लेती हैं, और साथ में बाजरा लेती हैं। बाजरे को सब में बाँट कर कथा सुनते हुए थोड़ा थोड़ा बाजरा हम डालते हैं इस लोटे के अंदर, और मतलब कथा सुनते रहते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की कथा सुनते हैं। गणेश जी की कथा सुनने के बाद हम अहोई माता की सुनते हैं। कार्तिक का महीना है, तो जो भी कोई चाहे कार्तिक की किताब ले सकता है, पांच कथाएं सुन सकता है। अगर किताब नहीं है तो आप भगवान की कोई भी पांच कथाएं सुन सकते हो। सबको ही पता होती है पांच कहानियां भगवान के चमत्कारिक। तो उसके बाद जितना भी जो हम बाजरा डालते हैं बचा हुआ हाथ पे होता है, उसको हम अपने दुपट्टे में गांठ बांध लेते हैं, और अब हम जा रहे हैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाने। अब जैसे आपने देखा हम सबने मिलकर सूर्य भगवान को जल दे दिया है, फिर हमने पांच बार हाथ जोड़े हैं, कोई दो बार जोड़ता है, और पांच बार परिक्रमा, दो बार परिक्रमा, जितनी आपकी अपनी श्रद्धा है। बट ये है कि कर लो ज़रूर, और भगवान से प्रार्थना करो कि जब तक ये सूर्य चांद है तब तक जो है मेरे बच्चों की, मेरे पति की, मेरे घर परिवार में सबकी उम्र बनी रहे, मेरा घर परिवार मायका ससुराल सब बना रहे। यहाँ पे हम सब ने मतलब बड़ों से आशीर्वाद लिया, जो जो मुझसे बड़े मैंने उनसे लिया, और जिनसे मैं बड़ी हूँ उन्होंने मुझसे लिया। मतलब ये बात सच है कि चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो, चाहे हम दिवाली की सफाई में कितने भी थके हुए हो, लेकिन रील बनाने का और एंजॉय करने का मौका हम कोई बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। हमारे चाची ने आज ज़्यादा एंजॉय करा है। अब पीऊंगी पानी। मम्मी भी आ गई है बड़ी मम्मी के घर से, तो मम्मी ने तो मेरे से आने से पहले ही चाय पी ली थी, और मम्मी देख रही है मैच रोडी के साथ मेरी चाय बन रही है। मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मेरी है ना तबीयत सही नहीं है भाई। वैसे ये तो सभी बोलते हैं, चेंज तो सभी कर लेते हैं, बट सच में ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। बट पूजा पाठ का काम करना है क्योंकि अहोई माता का व्रत है। पहले हलवा बनाऊंगी, थोड़ा सा थोड़ा ही बनाऊंगी क्योंकि कोई खाता तो है नहीं, है ना, तो इसीलिए इतना सही बनाऊंगी मैं, इतना बहुत है हमारे घर वालों के लिए। मैं मम्मी थोड़ा सा खाएंगे क्योंकि प्रसाद के लिए, बाकी कोई भी नहीं खाता, मेरे को देना ही पड़ता है किसी ना किसी को। शुगर है इसलिए मैं इसमें डालूंगी खांड थोड़ी सी, लगा दिया मैंने आटा। ये ना बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे से कि जैसे कभी कभी मैं कढ़ाई में आटा लगा लेती हूँ, तो कई सारे लोग पूछते हैं कि क्यों लगा लेते हो कढ़ाई में। तो भाई वो कढ़ाई है ना, जैसे मैं घी वगैरह बनाती हूँ तो घी की हुई रहती है, या फिर घी में पूरियाँ बनाई हैं तो उसकी हुई रहती है, तो मैं वो घी जो थोड़ा सा रह जाता है वो वेस्ट नहीं करना चाहती, इसी वजह से सिर्फ मैं कढ़ाई में लगा लेती हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। कभी आप लोग सोचोगे
है पराते, लगाना परात में ही चाहिए, कढ़ाई में कभी नहीं लगाना चाहिए। मम्मी भी मना करती है कढ़ाई में मत लगाया करो, लेकिन जितना मैं सूखे आटे से भी निकालूंगी ना उसे बेहतर है, मैं उसमें गूंथ के ना फिर हटा लेती हूँ आटे को, तो मैं कढ़ाई में निकालती हूँ। आप अगर ऐसा करते नहीं हो, मतलब करते हो नहीं करते, वो आपकी चॉइस है, आपको जैसे करना है, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ कि मेरे को लगता है कि ज़रा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जब से हमें खाने की कीमत पता चली है तब से हम खाने की वैल्यू करने लगे, क्योंकि बचपन में तो इतना समझ में आता नहीं था, लेकिन अब आने लग गया तो अब करने लग गए। सारा काम हो चुका है, अब मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि हम कैसे करते हैं पूजा। तो ये देखो क्या हम बनाते हैं खाना। एक तो अपने जो नॉर्मल मंदिर वाले भगवान जी हैं उनको भोग लगाएंगे, और दूसरा अहोई अष्टमी माता के लिए। तो ये मैंने, ये मम्मी का रख दिया है भरकर, और ये मेरा है, ये मैंने अभी रखा है। अभी मैं इस पर कलावा बांधूँगी, टीका करूँगी, और देखो जब हम कथा सुनते हैं ना तो दुपट्टे में बाजरा बांध लेते हैं। अब ये जो बाजरा है ना कथा का, वो हम इसमें डालेंगे, और माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों की बहुत लंबी उम्र करें। जय माता दी। तो जैसा आप देख रहे हो मैंने यही सूट पहना हुआ था सुबह, इसी के दुपट्टे पे मैंने बाजरे बांध दिए थे। हमने दोपहर को 12 बजे 1 बजे कथा सुनते हैं। आजकल तो नेट पे सब बताने लग गए हैं कि कितने बजे कथा सुननी है। दोनों के दोनों, एक करवा होता है और एक कमोई बोलते हैं उसको, वो होती है जिसमें छेद नहीं होता, करवा वो होता है जिसमें छेद होता है। तो दोनों करवे और कमोई पे हम सातिया काढ़ के माता रानी का टीका तिलक लगाकर सारी चीज़ें कर कलावा ज़रूर बांधना है, कलावा ज़रूर बांधे, और दोनों में पानी भर ले घर का साफ शुद्ध पानी बिल्कुल, और उसमें बाजरा डाल दिया था मैंने, आप सब ने देखा है, और माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली कि हमसे गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करे। अब यहाँ पर मम्मी माला वाला लेके आ गई थी, क्योंकि माला चढ़ा देते हैं हम लोग तो पूजा के लिए, कोई चढ़ाता है कोई नहीं, और मम्मी पूजती है कच्ची, मतलब मम्मी पूजती है सेमी से, और हम पूजते हैं पक्की, पक्की का मतलब कि पूरी सब्जी से। तो मम्मी वगैरह ने ये चेंज कर दिया था कि आप इससे पूज सकते हो, वैसे पूजते सेमी से ही है वही माता को। यहाँ पे जो मैं सूट लेकर आई थी मम्मी के लिए, वो मम्मी कहने लगी कि मेरे पे उस कलर का सूट है, तो कोई और सूट तूने अपने लिए रख रखा हो तो वो दे दे मुझे। तो मैंने एक गर्म सूट दिखाया मम्मी को, और एक ये वाला सूट मुझे मम्मी ने दिया था अट्टा से, तो मैंने फिर ये दिखा दिया मम्मी को, ये वाला पसंद आया कि इसे मुझे दे दे। फिर मैंने मम्मी के लिए ये वाला सूट पैक कर दिया है, क्योंकि मम्मी ने बोला कि ये मुझे अच्छा लग रहा है तो ये वाला दे दे, गरम नहीं लेना मेरे को। वैसे मम्मी हर बार है ना खुद ही खरीद के लाती है, लेकिन इस बार किसी को भी टाइम नहीं मिला जाने का मार्केट। अब यहाँ पर मम्मी ने अपनी जोत जगा दी है, और फिर मेरे से बोला कि तू भी जल्दी से जोत जगा दे, टाइम निकल रहा है। तो यहाँ पर माला फूल सब कुछ हमने चढ़ा दिया है, मैंने पूजा का सामान रख दिया है, और जो हम कपड़े पूजते हैं हमेशा उन पर कलावा बांधे, उसमें कुछ भी आप भेंट स्वरूप पैसे रख सकते हो, 100, 500, 50 रुपये, मतलब 10 रुपये, आप कितना भी रख सकते हो अपनी श्रद्धा के अनुसार, जितने आप पे बनते हैं उस पर कलावा बांधना है और सुहाग का श्रृंगार रखना है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे मेरे पापा ससुर अब नहीं रहे, तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि करवा चौथ पर भी मैंने मम्मी के लिए श्रृंगार का सामान पूजा था, और उसके मतलब अहोई पे भी मैं मम्मी को कपड़ों के साथ श्रृंगार का सामान ज़रूर देती हूँ। तो मेरे को लोग पूछते हैं कि आप क्यों देते हो जब पापा नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बेटियाँ तो हैं, तो कई बार होता है कि जो मम्मी हैं वो दीदी को दे देती हैं, कई बार दीदी को सूट पसंद आ जाता है दीदी ले जाती हैं, तो माँ बेटी का तो ऐसे ही चलता है। बस ये है कि पूजा हुआ पहनना ज़रूरी है, तो हम कोशिश करते हैं कि मम्मी को ऐसा ही सूट दे जिसको मम्मी सिला के पहने, मम्मी को पसंद आए, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि भाई हमारे पेरेंट्स हैं जब ये खुश रहेंगे तभी हमें असली आशीर्वाद मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने अहोई माता की पूजा कर लिया, मैंने जो श्रृंगार का सामान है वो अलग रख दिया, मम्मी सिर्फ नेल पेंट लगाती है तो मम्मी के लिए नेल पेंट रख दिया है। अब यहाँ पे मैं जोत जगाऊंगी अपनी, जोत जगाने के बाद मैं सारा का सारा जो भी मैंने खाना बनाया, खाने में मैंने बनाया हलवा और सब्जी और पूरी, उसका भोग लगाऊंगी माता को जोत जगाने के बाद, और साथ में वो सारा का सारा भोग दोनों जगह, दोनों जो करवे और कमोई हैं उसमें डालूंगी। आप सब सोचोगे कि ये सारी बातें हमको पता है फिर क्यों बता रही है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ, हमारा फ्यूचर है आने वाला, हमें नहीं पता कल को क्या होता है, कई बार हम भूल भी जाते हैं, तो हमको ये चीज़ें याद रहे कि हमने खोला, देख लिया और पूजा कर ली। तो इस तरीके से मैं तो अपने लिए सब चीज़ें सेव करके रखती हूँ। अब जब से ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब आया है, यहाँ पे मैंने तिलक लगा लिया है, दोबारा से सातिया काट दिए हैं, माता को भी तिलक लगा दिया है, और यहाँ अपने लिए तिलक लगाकर भोग लगाने जा रही हूँ मैं। मांग में सिंदूर ज़रूर भरना चाहिए हमेशा ही। माता को भोग लगाकर मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि माता
मेरे घर में किसी भी तरह के अन्न धन की कमी ना हो, मेरे बच्चों पर कोई मुसीबत ना आए, हमेशा मेरे घर परिवार में ढेर सारी खुशियां आती रहे। जैसे आप कृपा बरसा रही हो वैसे ही बरसाते रहो। फिर भी मुझसे, मैंने आपका पूरे दिल से व्रत रखा है लेकिन फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ऐसे माता से प्रार्थना करने के बाद इसी कैलेंडर के ऊपर एक छोटी सी कथा हुई माता की लिखी होती है, हालांकि मैं उसको सुबह भी कर लेते हैं हम कथा, लेकिन मैं शाम को एक बार पढ़ लेती हूँ। पूजा का सामान है वो मम्मी को देकर मम्मी से आशीर्वाद ले लेते हैं। माता रानी की जय, सबको पुत्र देने वाली की जय। अब जैसे आपने सुना कि मम्मी गई है तारे देखने, और नीचे की जो कमोई का जल था उसको मम्मी लेकर चली गई है तारों को देने के लिए, अर्घ्य देने के लिए। जैसे हम चांद को अर्घ्य देते हैं वैसे ही अहोई के दिन हम तारों को अर्घ्य देते हैं। मम्मी मुझसे बोल गई घर की जोत जगा लो, इतने में घर की पूजा करने लग गई, क्योंकि 7 तो बजे नहीं थे, अभी 6 बजे थे, लेकिन पूजा का भोग लगाना भी ज़रूरी था, तो 6 बजे ही हमने घर की जोत भी जगा दी। अब इसके बाद मैं मोहन बाबा की जोत जगाऊंगी, और मोहन बाबा की जोत जगाने के बाद मैं भी वेट करती हूँ। देखो तारे तो दिन में भी होते हैं और रात में भी होते हैं, लेकिन दिखना तारा ज़रूरी है। तो तारे दिख गए थे, मम्मी ने बता दिया कि तारे दिख रहे हैं तो अर्घ्य दे दे। तो यहाँ पर मैंने फिर से वही माता को माथा टेक लिया, और फिर मैं नीचे वाली जो कमोई है, करवा ऊपर रखते हैं कमोई नीचे रखते हैं हमेशा, याद रखना। तो कमोई का जल लेकर मैं माता के हाथ जोड़कर यहाँ से चलती हूँ। हमारी बालकनी से तारे भी नज़र आ जाते हैं, चांद भी नज़र आ जाता है, लेकिन करवा चौथ पे हम छत पे जाते हैं और तारे तो हमें यहीं से नज़र आ जाते हैं। तो मैंने ऊपर देखा, मुझे 2 तारे नज़र आ गए छोटे छोटे से, देखने में शाम हो रही है। मैंने बाबा की जोत जगाई और तारों को अर्घ्य दे दिया। ये हमारे मोहन बाबा का मठ है, हम पर इनकी कृपा बहुत बनी हुई है, ऐसे ही बनी रहे। और मैंने अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए दुआ करी, हे अहोई माता, जैसे आसमान में तारे हैं वैसे ही मेरे बच्चों से मेरा घर परिवार बना रहे। आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। राधे राधे।